अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछली क्लास में वी हैड डिस्कस डायनामिक्स, हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं मास वेट एंड डेंसिटी, ये उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डज नॉट कम एवरी ईयर। तो आप लोग हेडिंग डालो मास वेट एंड डेंसिटी। हेडिंग डालो मास वेट एंड डेंसिटी। दिस इज आवर न्यू चैप्टर। दिस इज अ न्यू चैप्टर। सबसे पहले डेफिनेशन रख लेते हैं मास की। ये चैप्टर मैंने पहले बताया आसान है और कभी कभी आता है। तो हेडिंग डालिएगा चैप्टर की, पहली हेडिंग डालिएगा मास। चैप्टर की पहली हेडिंग डालिएगा मास। डेफिनेशन मास की हमने पढ़ी थी क्लास 9 जब शुरू होती है ना फिजिक्स में। तो लिखो कि मास इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ये वाली डेफिनेशन मास की कॉपी करिएगा।
ये मास की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब देखो मास को मेजर कैसे करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट मास को मेजर करते हैं उसमें सबसे मशहूर है बीम बैलेंस। आप शॉप पे जाए ना तो ये शॉपकीपर्स के पास भी होता है, इसका नाम है बीम बैलेंस। तो लिखो कि मास कैन बी मेजर्ड by a beam balance बीम बैलेंस। अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट तो बीम बैलेंस है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम है डिजिटल पैन बैलेंस। तो लिखो मास कैन बी मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस एंड डिजिटल पैन बैलेंस। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है चलो अब हेडिंग डालो वेट। चलो अब देखो वेट की डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन लिखो वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी देखो ये वेट की डेफिनेशन आ गई। अब वेट मेजर कैसे होता है, ये इंस्ट्रूमेंट देखो, ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस। तो अब लिखो कि इट इज मेजर्ड बाय, ये वेट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, इट इज मेजर्ड बाय a Newton meter or spring balance. It is measured by a Newton meter or spring balance.
अब जरा इसको देखो, देखो मास के फीचर क्या है कि मास का यूनिट होता है केजी, और इसका बैलेंस मेजर के लिए होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक कांस्टेंट है, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ मास वेरी नहीं करता, मास का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। वेट का यूनिट न्यूटन है और न्यूटन मीटर से निकलता है, इट्स अ वेक्टर, लेकिन वेट वेरी करता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे कि एग्जामिनर पूछता है कि मून पर क्या वेट होगा, किसी और प्लेनेट पे, तो वेट इज अ वेरिएबल। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, जब कॉपी कर लो तो मुझे बता भी दीजिएगा, बिकॉज इट्स अ शीट। तो आप इसको कॉपी कर लें तो बताइएगा।
ओके गुड सही है। अब इसके बाद देखो कि हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील, दो लाइनें छोड़कर। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मासेस होते हैं, अब जैसे हमारा प्लेनेट है, इट्स ऑर्बिटिंग द सन, व्हाई? बिकॉज ग्रेविटी इज होल्डिंग इट। ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन होता है जिसमें कोई मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, जैसे सोलर सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन हमेशा मास होता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है मास की वजह से। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन नोट करो। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जो है वो नोट करो। अब हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। लिखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, अब हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब आप उसी डायग्राम में कॉन्सेप्ट और ऐड करो कि वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास। वेट जब भी एक्ट करता है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द मास की तरफ लगता है। जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि वेट इज डाउनवर्ड, ऐसा नहीं है, बल्कि वेट हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा। तुम जहां भी होगे वहां से वेट सेंटर की तरफ लगेगा। तो लिखो वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, लिखो वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास। ये वाली डायग्राम कॉपी करो, वेट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास, ये वाली डायग्राम ऐड करो। देखो अब उसके बाद दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये टॉपिक नया है और इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है। ये वाली हेडिंग डालो,
it is the force per unit mass experienced by the mass in a gravitational field. देखो कॉन्सेप्ट है ना कि इसकी डेफिनेशन ये है, बिल्कुल ऐसे सीखना है इसको कॉन्सेप्ट को जैसे एक सिग्नल स्ट्रेंथ होती है मोबाइल की या वाईफाई की, जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। और जब आप कहीं बैठते हैं, कुछ चीज थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी उसको होल्ड करती है, ग्रिप करती है, नीचे लाती है। ये जो नीचे लाने की एबिलिटी है ये हर प्लेनेट पे सेम नहीं होती, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इट्स अ सिग्नल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन कॉपी करो। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ये टॉपिक या और इसी साल एड हुआ है, अभी उठाया। वाली स्क्रीन कॉपी कर लीजिएगा, लाइन कनेक्ट थी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
सॉरी लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, तो यू हैव टू नाउ गिव अ हेडिंग डेंसिटी. अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालो डेंसिटी. सबसे पहले डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो कि डेंसिटी, ये डेफिनेशन बहुत आती है पेपरों में, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली डेफिनेशन लिख लो. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ग्राम पर सीएम क्यूब भी इसका यूनिट है, दो यूनिट इसके यूज होते हैं. आप इसका कन्वर्जन भी याद करोगे और इस कन्वर्जन को भी नोट करना है. डेंसिटी का जो सिंबल होता है, देखो जो डेंसिटी का सिंबल है वो ये है रो. डेंसिटी वॉटर की फिक्स होती है जो याद कर लेनी चाहिए, दैट इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. ये कॉपी कर ले तो बताएं.
इसके बाद देखो कि हमें कुछ यूनिट कन्वर्जन्स जो है वो याद करने हैं। इसमें आपको वॉल्यूम के कन्वर्जन दिख रहे हैं, ये कॉपी होगा। इसको कॉपी करिएगा।
इसका जो ग्राफ बनेगा उसके वाई एक्सिस पे मास है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो डेंसिटी को शो करेगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, स्ट्रेट लाइन है। अब देखो इसमें तुम नोट करो कि मैंने तीन लाइनें कर दी ना, तो जो लाइन ऊपर गई है उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा। सवाल कैसे बनता है कि बताएं डेंसिटी किसकी ज्यादा है, जिसका ये वाला ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब उसके बाद आज का अगला कॉन्सेप्ट लिखे, डेंसिटी और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो चीज एक्सपेंड होती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो डेंसिटी बढ़ने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब आज का अगला कॉन्सेप्ट देखें, टेम्परेचर और डेंसिटी में जब हम किसी चीज को हीटअप करते हैं, जब आप किसी चीज को हीटअप करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और गैस हल्की हो जाएगी। यानी अगर मास कांस्टेंट हो तो डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए जो रूम हीटर होते हैं वो जमीन पर रखते हैं क्योंकि हॉट एयर राइज करती है, और स्प्लिट एसी ऊपर छत के ऊपर के करीब लगाते हैं क्योंकि कोल्ड एयर सिंक करती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। मैं जस्ट 2 मिनट का ब्रेक, बीच में गैप ले रहा हूं, तो आप इसको कॉपी करिए।
इसको कॉपी कर लीजिएगा, और अगर कॉपी कर लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। इससे वो कॉन्सेप्ट बना जो तुम्हें पुराने पेपरों में भी मिलेगा, और वो ये कि हॉट एयर राइस करती है और कोल्ड एयर सिंक करती है। जैसे मैं बता रहा था कि जो रूम हीटर्स होते हैं उनको ग्राउंड पे रखते हैं, और जो जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनको ऊपर लगाते हैं, तो कोल्ड एयर नीचे आती है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चले अब हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये वाला टॉपिक एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है, बहुत आसान सा टॉपिक है और हर बच्चे को याद होता है, और ये वो टॉपिक है जिसमें हम चीजों का किसी अननोन ऑब्जेक्ट, किसी इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर वॉल्यूम। आप देखो कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को डालते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है जो कि पहले ना एम्प्टी था, दिस इज ओनली विद अ वाटर केस। एक स्टोन को पुट किया तो वाटर लेवल राइज हो गया यहां से यहां तक। अब वाटर लेवल इसमें राइज हुआ है, तो वाटर का जो राइज है उसको आप माइनस कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया था उसका वॉल्यूम कितना था। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट। तो हेडिंग डालकर, ये वाली हेडिंग है, हेडिंग डाल के उसमें लिखिएगा कि टेक सम वाटर इन एन एम्प्टी कंटेनर, टेक सम वाटर इन एन एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर। Take some water in an empty measuring cylinder. Insert the object in the cylinder. Insert the object in the cylinder. Insert the object in the cylinder. Note the rise in volume.
नोट द राइज इन वॉल्यूम, फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी कर ले. अब देखो इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, और इसमें हम उसी डायग्राम को अपडेट कर लो. जब तुम इसको इसमें पुट करोगे तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, हम उसको माइनस कर देंगे. माइनस करने से वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल आएगा. अब हम रखते हैं आज का अगला कॉन्सेप्ट, रेशियो ऑफ मासेस. दो मासेस का रेशियो कैसे निकलता है. एक्चुअली मासेस जो है ना, चीजों का जो वॉल्यूम होता है उसको फिल करते हैं. मासेस फिल द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जो मासेस का रेशियो है वो वही होता है जो जो वॉल्यूम का होता है, मतलब क्यूब आता है उसमें. यू कैन सी देयर इज अ क्यूब. तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो.
ये वाला छोटा सा चैप्टर अब यहाँ खत्म हो जाता है, और जैसे मैंने कहा था कि अब हम ये साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप मुझे पहले ही बताइएगा कि हमने ये किए हुए तो नहीं है, क्योंकि उस दिन भी हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे थे। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन देखो नंबर 5, अगर तुम इसको देख के बताओ कि ये पहले किया हुआ तो नहीं है। सही है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। अ मेटल बॉल ऑफ मास दिस मच केजी वेट दिस मच इज हेल्ड सो दैट इट्स बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हेन द बॉल इज रिली, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला याद रखो, एम ए इज इक्वल टू greater force minus ma is equal to greater force minus smaller force। ये तुम्हें मास भी दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है a।
इसको सही कर दो। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, नाइन इज द राइट गुड आंसर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, नंबर सिक्स। द अर्थ ट्रेवल्स इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट अराउंड द सन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, विच एरोस शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब ये जो बेसिकली एक्सेलरेशन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। तो अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। सी, अच्छा सी में ये है कि क्यू और आर। हाँ बिल्कुल सही है सी। चलो नंबर सेवन। Which object has the largest resultant force? यहां resultant होगा 30 minus 20, यहां होगा 10, यहां होगा 10, यहां 30 minus 10, यहां होगा 20, यहां तो उधर है ही कुछ नहीं, तो यहां तो resultant होगा 15। सही है, C is the large answer. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर एट। इन विच एग्जाम्पल डस फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच इट एक्ट्स।
स्मूथ सुनो पे तो फ्रिक्शन होगी नहीं, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में लगे जिसमें फॉरवर्ड मोशन हो रही है। हाँ ये सही है डीन, सही है। चलो जस्ट कीप इट अप टू हियर, हमने आज को आज के काम को यहीं तक रोक लेते और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।